जुनूब हिंद के एक देहात में चिनप्पा अपनी बीवी रमा के साथ रहता था। दोनों देहात के एक जरात में मजदूरी करके अपना घर चलाया करते थे। रमा और चिनप्पा के एक फर्जंद और एक दुख्तर थी। वो लोग अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देकर नेक इंसान बनाना चाहते थे, लेकिन अचानक से चिनप्पा की तबीयत खराब रहने लगी। वो बहुत बीमार हो गया। अब रमा को जरात में मजदूरी भी तन्हा करनी पड़ती, अपने बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ता था और अपने बीमार शौहर का भी। उसके हालात बहुत ही बदतर हो गए थे। एक रोज चिनप्पा की तीमारदारी के लिए उसके भाईजान मोहन आए। भाईजान, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, आपने किसी काबिल हकीम को दिखाया कि नहीं? दिखाया भाईजान, लेकिन कोई सलाहियत नहीं मिल रही। मैं दरगाह आपके नाम से खुदा से इल्तजा दुआ फरियाद करूंगा आपकी सलामती के लिए। शुक्रिया भाईजान। भाभी जान, आप पे तो मुसीबतों का पहाड़ सा आ गया है ना? हाँ भाईजान, लेकिन हालात से शिकस्त कैसे हो जाऊं? भाभी जान, मैं एक इडली की दुकान डाल रहा हूँ, क्या आप वहाँ इडली फराहम करना चाहेंगी, जिससे आपको बेइंतहा पैसे मिलेंगे और आपके घर के हालात भी सुधर जाएंगे। मुझे जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों तकसीम कर लिया करेंगे। हाँ ठीक है भाईजान। और दूसरे दिन से रमा मोहन की दुकान में इडली बनाने लगी। देहात के आवाम को रमा की बनाई इडली बेइंतहा पसंद आती। देखते ही देखते रमा की बनाई हुई इडली मशहूर हो गई। दुकान में रोज लोगों की मजलिस होने लगी। दोनों रमा और मोहन बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। कमाए हुए दौलत से रमा ने चिनप्पा का बेहतरीन इलाज कराया और चंद दिनों में ही चिनप्पा फिर से सेहतयाब हो गया। अब 2 महीने गुजर गए। रमा और मोहन की दुकान में खरीदारों की मजलिस लगी रहती थी और आज रमा तसव्वुर करने लगी, ये इतनी सारी मजलिस मेरी इडली की वजह से ही तो है, तो मेरा मुनाफे पर ज्यादा हक हुआ। मोहन तो सिर्फ सामान मुहैया कराता है और खरीदारों को इडली बान कर देता है, तो उसे बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। शाम के वक्त जब दोनों हिस्सेदारी कर रहे थे तो मोहन भाईजान, सारी इडलियाँ मैं ही तो बनाती हूँ, अगर मेरी इडली इतनी लजीज ना होती तो आपको इतना मुनाफा नहीं होता। वो तो है भाभी जान, आपकी इडलियाँ बहुत ही बेहतरीन और लज्जतदार होती हैं। तो इस वजह से मेरा मुनाफे पर ज्यादा हक होना चाहिए। लेकिन भाभी जान, ये सरासर गलत है। मैं भी दिन भर मेहनत मशक्कत करता हूँ, तब जाकर इतना कमाते हैं। मतलब हम दोनों बरहक मेहनत करते हैं, इसलिए मुनाफे पर हम दोनों का बराबर का हक हुआ। नहीं नहीं भाईजान, आप सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो कल से आप कोई और इडली वाली दरियाफ्त कर लीजिए। रमा मोहन से बहस करके अपने घर चली गई और दूसरे दिन से देहात में 2 इडली की दुकानें लगने लगी। एक रमा की, जहाँ वो खुद ही इडली बना रही थी और खुद ही फरोख्त कर रही थी, और एक मोहन की, जहाँ एक दूसरी खवातीन इडली बना रही थी। रमा की नई दुकान देखकर सारे देहात की आवाम उसकी दुकान की ओर चले गए, लेकिन रमा तन्हा थी। वो इतनी सारी आवाम को संभाल नहीं पा रही थी। आखिर थक हार कर सारी आवाम मोहन की दुकान पर वापस आए, जहां मोहन सभी खरीदारों को अच्छे से इडलियां तकसीम कर रहा था। ये सिलसिला रोज चलता रहा और देखते ही देखते देहात की आवाम इडली लेने मोहन की दुकान पर ही जाया करते। अब रमा तन्हा अपनी दुकान पर खड़े अफसोस कर रही थी।
ए, मैंने क्या कर दिया? मैंने तफद्दुक किया था कि इडली बनाना ही सब कुछ था, लेकिन नहीं, मोहन का खरीदारों को संभालना भी बहुत जरूरी था। कम से कम जब मैं मोहन के साथ थी मुझे अच्छी रकम मिल जाती थी, लेकिन अब मेरी इडली को कोई घास भी नहीं डालता। रमा को अपनी इडली पर नाज था जो अब तकब्बुर हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि तकब्बुर एक शीशे की तरह होता है जो जरूर खम होता है। चारुलता के बड़े फर्जंद की शादी हुए 5 साल हो चुके थे। अब उसने अपने छोटे फर्जंद अरुण की शादी गुंजन से करवा दी। शादी के बाद गुंजन देवरानी बनकर उसके घर आई और मंजुला उसकी जेठानी बन गई। मंजुला बहुत खुदगर्ज थी। वो अपनी देवरानी के आसान मिजाज का फायदा उठाकर उसे सारे काम करवाने लगी और खुद मुख्तारी करने लगी। गुंजन, मेरी दोस्त बहुत अलील हालत में है, मैं उसकी तीमारदारी के लिए जा रही हूँ, सारा काम खैर से कर लूँगी। ठीक है भाभी जान, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम खैर से कर लूँगी। मंजुला घर में अजद बनाकर सहेलियों के पास जाने लगी, जहाँ पर अपनी दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेलती। ये रही मेरी 200 की शर्त, अरे वाह मैं जीत गई। अरे वाह मंजुला, आज तो तू सारी बाजी जीत गई, तू तो माहिर खिलाड़ी हो गई है। रोज रोज मंजुला के ताश खेलने से मंजुला को ताश की लत लग गई थी और वो घर पर अपने शौहर की जेब से पैसे चुरा कर ताश खेलने लगी। उधर देवरानी गुंजन खामोशी से तन्हा घर का सारा काम करती। बहू, घर का सारा काम तो सिर्फ तुम ही करती दिखती हो, अब मंजुला नजर नहीं आती। अम्मी, भाभी जान रोज रूहानी गुफ्तगू में जाती हैं। आहिस्ते आहिस्ते मंजुला ताश में पैसे हारने लगी। ओह, मैं फिर से हार गई। अगली बाजी शुरू करो, इस बार मैं यकीनन जीतूंगी। मंजुला, अब तुझ पर 5,000 कर्ज हो चुके हैं, जब तक तू कर्ज अदा नहीं करेगी तब तक हम तुझे नहीं खिलाएंगे। हाँ, हरगिज नहीं खिलाएंगे। सहेलियों की बातों से मंजुला मुसीबत ज़दा हो गई। जब तक वो कर्ज अदा नहीं करेगी तब तक कोई उसके साथ नहीं खेलेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन मंजुला ने अपनी सास चारुलता के गले में एक नई सोने की चेन देखी। अगर मैं माँ जी की ये चेन चुरा लूं, तो इसे गिरवी रखकर कम से कम 10 से 15 ताश की बाजी खेल सकती हूँ और फिर पैसे जीत कर ये सोने की चेन छुड़ा लूंगी। हाँ, ये सही तरीका है। उसी शब चारुलता के सोते ही मंजुला ने अपनी सास के गले की चेन उतार ली और दूसरे दिन फिर बहाना बनाकर अपनी सहेली के घर चली गई। गुंजन, अगर अम्मी जान पूछे तो कहना मैं रूहानी गुफ्तगू में गई हूँ। मंजुला ने सास की सोने की चेन सहेलियों के पास गिरवी रखकर फिर से ताश खेलना शुरू किया और बहुत इंतहाई शर्त खेलने के बाद भी वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। ए खुदा, मैं ये सोने की चेन भी हार गई, अब मैं क्या करूँ? मंजुला, अब ये सोने की चेन मेरी हो गई और तुझे और खेलना है तो और पैसे लाने पड़ेंगे। मंजुला कश्मकश में पड़ गई। अब वो पैसे कहाँ से लाएगी? उधर घर पर चारुलता ने अपने गले की सोने की चेन गायब देखी तो उसने सबको इत्तला कर दी और जारों कतार अश्क बहाने लगी। आ, मेरी सोने की चेन कहाँ गुम हो गई? कल तक तो मेरे गले में थी। अम्मी जान, चेन मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें। इधर मंजुला की ताश खेलने की लत उसे परेशान कर रही थी। एक बार कहीं से पैसे मिल जाएं, तो मैं फिर से ताश खेल सकूंगी। मंजुला ने इस बार अपनी सास चारुलता की तिजोरी से पैसे चुराने का मंसूबा बनाया। तिजोरी की चाबी माँ जी ने गुंजन को दी है, अगर मैं वो चाबी चुरा कर पैसे निकाल लूं, तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। मंजुला ने शब में गुंजन के कमरे से चाबी चुरा कर उसमें से पैसे चुरा लिए, लेकिन इस बार गुंजन ने पकड़ लिया। भाभी जान, आप तिजोरी में से पैसे चुरा रही हैं? उसी वक्त चारुलता आ गई। सास को सामने देख
मंजुला ने सारा इल्जाम गुंजन पर लगा दिया। देखिए अम्मी जान, आपकी छोटी बहू चोर है, वो आपकी तिजोरी से पैसे चुरा रही थी। अलबत्ता सोने की चेन भी इसी ने चुराई होगी। चारुलता को गुंजन पर बहुत रश आया और उन्होंने गुंजन को अपने वालिदैन के घर रवाना किया। तकलीफ ज़दा गुंजन बिना कुछ कहे चली गई। चंद अरसे बीत गए, लेकिन मंजुला की ताश खेलने की तलब बढ़ती गई। गुंजन चली गई, अब मैं सहेली के घर कैसे जा पाऊंगी? अपनी लत के लिए बेबस होकर मंजुला ने अपनी सास की चाय में नींद की दवा मिला दी। चाय पीते ही उसकी सास सो गई। फिर मंजुला चुपके से उसके सोने के जेवरात लेकर सहेली के घर चली गई। अरे वाह मंजुला, इस बार तक कंगन लाई है, माहिर खिलाड़ी। मंजुला ने फिर से खेलना शुरू किया। उसने जैसे ही पहली बाजी में जेवर दांव पर लगाए, उसकी सास और देवरानी गुंजन वहां आ गए। अम्मी जान, गुंजन, आप दोनों? चारुलता ने मंजुला को गवाहों के मद्देनजर पकड़ लिया और उसकी ताश खेलने की लत को सबके सामने बयां किया। मंजुला बहू, मुझे तुम पर बहुत दिनों से शक था, लेकिन जब तुमने छोटी बहू पर इल्जाम लगाया तब मेरा शक यकीन में बदल गया। भाभी जान, आपने रूहानी गुफ्तगू के नाम पर फरेब किया और घर में चोरी करके सबको तकलीफ दी है। तुम्हारे ताज की लत और जीतने के जुनून की वजह से तुम मेरे कंगन और चेन दोनों गंवा चुकी हो। वो तुम्हारे हिस्से के जेवर थे, अब मेरे बाकी जेवरात पर छोटी बहू का हक है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, आज के बाद मैं ऐसा कतई नहीं करूँगी। हर ताश खेलने वाले को लगता है कि वो बहुत सारा पैसा जीतेगा, लेकिन अगर एक बार ताश की लत लग जाए तो गारत कर देती है। किसी भी शय की लत या नशा इंसान को तबाह ही करता है, इसीलिए इससे दूर ही रहना चाहिए। बहुत सालों पहले एक छोटे से गांव में दो शख्स एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनका नाम था मनु और धानु। दोनों के ही छोटी छोटी संचियां थी समंदर के सामने, जिसमें दोनों अपने शरीक हयात के साथ रहते थे। दोनों ने ही अपने घर में छोटे छोटे कमरे बनाए थे। मनु मुफलिसी की वजह से तकलीफ में रहता, अक्सर उसे फाँकों से रहना पड़ता, इसीलिए वो हमेशा अल्लाह की इबादत करता। एक रोज एक दरख्त के खुदा उसकी इबादत से खुश हो गए और उसके फरियाद से करीब आए। बताओ तुम्हारी क्या फरियाद है नेक इंसान? ओ, 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 खुदा, तुमने मेरी फरियाद सुन ली। तुम एक नेक दिल इंसान हो, लेकिन जल्द बताओ तुम्हारी फरियाद क्या है? मैं दौलतमंद इंसान बनना चाहता हूँ ऐ खुदा। इंशाअल्लाह, आमीन। वाकई में? लेकिन याद रहे, दौलत इतनी आसानी से नहीं आती। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी दौलत कैसे आएगी, वो तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मनु के आंगन में बहुत लंबे लंबे नारियल के दरख्त लगे थे, लेकिन उसने इन दरख्तों के बारे में कभी नहीं सोचा था। जल्दी ही ये नारियल पकने वाले हैं, क्यों ना इस बार हम इन्हें तोड़कर फरोख्त कर दे, इससे हमें पैसे मिल जाएंगे। ए मेरी शरीक हयात, अब हमें नारियल के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जल्द ही हम अमीर शख्स बनने वाले हैं, बस इंतजार करो। ओ लेकिन मनु को इस बात का इल्म नहीं था कि खुदा ने उसके ऊपर रहमत इन्हीं नारियल पर की थी। इसके जरिए खुदा इम्तिहान लेना चाहता था। आह, बड़ी अजीब बात है, कल तक तो ये नारियल छोटे छोटे थे, लेकिन आज ये बिल्कुल पके हुए लग रहे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? वाकई? क्या वाकई में ये इतनी जल्दी पक गए हैं? हाँ, तुम्हें ऊपर जाकर इन्हें तोड़कर लाना चाहिए। जाओ,
इन्हें बाजार में फरोख्त कराओ। आज ही करना पड़ेगा, आज मेरा दिल नहीं है। लेकिन नारियल पक गए हैं, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। ओ नहीं, आज मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा है, और नारियल कहीं भाग थोड़ी ना जाएंगे, ये काम मैं कल करूँगा। खैर, क्या आज तक किसी निकम्मे इंसान से कोई काम करा पाया है? लेकिन जब मनु अपना निकम्मापन दिखा रहा था, उसी शब धानु अपने आंगन में बैठा हुआ था। चिलचिलाती चमचमाती कितनी हसीन खूबसूरत शब है, ऐसी शब में तो मौजजात होते हैं। ऐ खुदा, आज की शब मेरे साथ कोई मौजजा हो जाए, काश परवरदिगार मुझे भी बे इंतहा दौलत मिल जाए। ये क्या था? क्या ये तो नारियल है, इतना पका हुआ है, इसमें तो बहुत मीठा आम निकलेगा। वाह वाह परवरदिगार, दो नारियल दोनों ही मेरे आंगन में गिरे हैं, अब तो दोनों मेरे हैं। चलो, मनु को इस बात का इल्म भी नहीं होगा। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? नारियल? हाँ मेरी शरीके हयात, ये दोनों मनु के दरख्त से गिरे हैं, ये हमारे आंगन में आकर गिरे थे। तो हमें उसे इत्तला नहीं करनी चाहिए? क्यों, जो हमारे आंगन में गिरा है वो हमारा है। जाओ ये दोनों नारियल तोड़कर ले आओ, मैं ठंडा आप पीने के लिए बेकरार हो रहा हूँ। ये क्या है? या मेरे खुदा, ये तो सोने की अशर्फियां हैं, इस नारियल में तो सोने की अशर्फी है। मुझे यकीन था कोई मौजजा होगा, जल्दी दूसरा भी तोड़ दो। दो नारियल में दो सोने की अशर्फियां, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ। मुझे पूरा एतमाद है कि उस नारियल के दरख्त में हर नारियल में सोने की अशर्फी है। जरा सोचो तो सही, अगर हमें वो सारी सोने की अशर्फियां मिल जाएं, तो हम दौलतमंद बन जाएंगे। तुम देखती जाओ शरीके हयात, मनु को इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि नारियल में क्या है। तुम्हें अपने होशियार शौहर पर फख्र करना चाहिए। अरे मनु, कितनी खुशगवार सुबह है ना? हाँ धानू, लगता है तुम्हारे नारियल पक गए हैं, क्या तुम इन्हें तोड़ने वाले हो? मालूम नहीं, अभी काम करने का दिल नहीं है। धानू भाईजान, मुझे नहीं लगता कि ये इन नारियल को कभी तोड़ेंगे। आपको तो पता ही है कि मेरे शौहर कितने निकम्मे इंसान हैं। फिक्र ना करो, वैसे हर कोई नारियल के इतने लंबे दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, शायद उसे डर लगता है। अगर तुम चाहो तो मैं तोड़कर ला सकता हूँ, और हाँ तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बाजार जाकर फरोख्त भी कर आता हूँ, जो माल मिलेगा लाकर तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम करोगे? हाँ बेशक, कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं सारे दरख्त खरीद लेता हूँ। हाँ तुम इतना सोच क्यों रहे हो मनु, मैं तुम्हारी मुफलिसी भी खत्म कर दूंगा, और तुम्हें तुम्हारा मुआवजा भी मिल जाएगा। नहीं, मैं दरख्त नहीं बेचूंगा, माफ करना, मेरे दादा जान ने लगाया था, तुम इस बात से वाकिफ हो। अलबत्ता ठीक है, लेकिन ये नारियल तुम किसी को नहीं दोगे, ठीक है? अब इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, चलो अब बैयत ले लो। इस तरह धानु का खानदान आलसी निकम्मे मनु को लूटते रहे। धानु दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़कर लाता और
उन्हें बाजार में फरोख्त करने का ड्रामा रचता। दरअसल वो नारियल अपने घर के अंदर ले जाता और वाकई में हर नारियल से सोने की अशर्फी निकलती और इस तरह से मनु को धोखा देकर धानु और धानु की बीवी दौलतमंद बनते चले गए। वो तिलस्मी दरख्त नारियल देता रहा और धानु उन्हें फरोख्त करता रहा और उसका घर आलीशान हो चला और जल्द ही वो पूरे देही इलाके का सबसे दौलतमंद इंसान बन गया। दूसरे तरफ मनु, जिसे कोई अंदाजा नहीं था, जो चंद रकम जमा करके खुश था जो उसे धानों से नारियल के एवज में मिलते थे। लेकिन मनु की बीवी बहुत अकलमंद थी। एक रोज धानु और उसकी बीवी कितने दौलतमंद बन गए हैं, कैसे समझ नहीं आता, कैसे दौलत आसमान से बरस रही है। मेहनत मशक्कत करता है। चलो जी, हमें दूसरे लोगों के नसीब से हसद नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी तरह से हसद नहीं है, लेकिन कौन सा काम है? मैंने उसे कोई काम करते हुए नहीं देखा सिवाय हमारे नारियल फरोख्त करने के, और वाकई में वो बहुत दौलतमंद हो गया है, तो फिर उसे हमारे नारियल बेचने की क्या जरूरत है? लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, क्यों? मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। जब से उसने हमारे नारियल फरोख्त करने शुरू किए हैं, तब से वो दौलतमंद हुआ है। ये निकम्मापन छोड़ो और जाकर देखो मनु। अरे, एक बार भी तुम्हारे भेजे में बात बैठ गई तो खुदा भी उसे भुला नहीं सकता। ठीक है, आज शब में चलकर देखते हैं। वो दोनों वहाँ हैं। चलो चलकर देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। खामोश रहो निकम्मे इंसान, मुझे लगता है कि अब हमें एक बड़ा आलीशान घर खरीद लेना चाहिए, इस देही इलाके के बाहर, शहर के करीब करीब। खरीद लेंगे, थोड़ा सब्र रखो मेरी हुस्न बहार। पहले जाओ और जाकर नारियल लेकर आओ, जरा देखें तो सही आज हमने कितना कमाया है। ठीक है। आपने देखा जी, हमारे नारियल में सोने की अशर्फियां हैं। यही तो मैं सोच रही थी कि ये इतने दौलतमंद कैसे बन गए। वाकई में, फिर तो ये सब हमारा है। मैं जाकर अभी देखता हूँ। धानु, धोखेबाज, मक्कार, तो इस तरह से तू दौलतमंद बना है मेरे नारियलों में से सोना चुरा कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो मनु। मैंने सब देख लिया है, मुझसे फरेब मत करो, तुम्हारी सारी दौलत मेरी है। मक्कार, बेवकूफी की बातें बंद करो और मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैंने तुम्हारे नारियल खरीदे हैं, जो उसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा है। नहीं, ये सब ठीक नहीं है, वो सारी सोने की अशर्फियां मेरी हैं। फिक्र मत करिए, आप परवरदिगार से फिर फरियाद करिए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। उस शब उसने कड़ी मेहनत इबादत की। काफी देर बाद खुदा फिर से रूबरू हुए। क्या हुआ मनु, मैं हमेशा इस तरह से नहीं आ सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेरी जरूरत है। ए परवरदिगार, मेरी मदद कीजिए। धानु मेरे सोने की अशर्फियां चुराता रहा। मुझे इल्म है, मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से हुआ है। जो हो गया वो हो गया। लेकिन परवरदिगार। ठीक है, क्योंकि तुम एक नेक इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम पूरी शिद्दत से काम करोगे। वादा करता हूँ। तुम खुद अपने दरख्तों पर चढ़ोगे। हाँ परवरदिगार, बिल्कुल जरूर चढ़ूंगा, लेकिन
मैं उस चोर धानु को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसकी फिक्र ना करो, वो एक फरेब मक्कार है, उसका फल उसे जरूर मिलेगा। उस शब अब मनु मुझे अपने नारियल नहीं फरोख्त करेगा, अब इन्हें मुझे चुराना ही पड़ेगा। मेरी हुस्न बहार जल्दी करो, मैं नारियल लेकर आया हूँ, जल्दी से तोड़ो इन्हें। यहाँ ले आओ। क्या हुआ, क्या हुआ? यहाँ यहाँ नारियल में तो बिच्छू है। ए खुदा, भागो मेरी हुस्न बहार, भागो भागो। नहीं ऐसा मत करो, कोई हमें इन बिच्छू से बचाओ। मनु मैं ऐसा क्यों करूं? ये सब तुम्हारे नारियल में थे। लेकिन तुमने तो कहा था कि नारियल के अंदर जो कुछ भी है वो तुम्हारा है, है ना? अलविदा धानु, बिच्छू के साथ लुफ्त लो। धानु और उसकी बीवी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। बिच्छू ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन जब वो चले गए उन्होंने मनु से जाकर माफी मांगी और उन्होंने अपनी दौलत को उनके नाम तकसीम कर लिया। दोनों खानदान खुशी खुशी रहने लगे और जब उनके पास काफी दौलत हो गई, उन्होंने देही इलाके के लोगों में दूसरे देही इलाके के लोगों में भी तकसीम कर दी। नारियल का दरख्त जब तक रहा उसके नारियल में सोने की अशर्फियां निकलती रहीं। मुंबई शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में शांता की इडली का स्टॉल था। सालों से शांता इस इडली स्टॉल को चलाकर अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही थी। अब तो उसकी बेटी रानी भी बड़ी हो चुकी थी और अब माँ बेटी मिलकर इडली फरोख्त किया करते थे। मैडम एक प्लेट इडली देना, सांबर थोड़ा ज्यादा डालना। हा? जी शांता बाजी, मुझे भी एक प्लेट इडली दीजिए। आपकी प्लेट पहले से तैयार है। हर दिन आप मेरी प्लेट पहले से ही तैयार कैसे रखती हैं? मैं दूर से ही आपको देख लेती हूँ। अब तो इतने साल हो गए हैं कि मुझे पता होता है कि आप कब आएंगी। अच्छी बात है, आपकी इडली खाकर मेरा पेट इतना भर जाता है कि रात तक भूख ही नहीं लगती और मैं दिन भर लोगों के घर में काम आराम से कर लेती हूँ। अच्छी बात है। शांता अपने हर पुराने ग्राहक को बांध कर रखती थी। वो सबसे अच्छे से बात करती थी और सभी लोगों को उसकी इडली बेहद पसंद थी। फिर एकाएक उसकी स्टॉल के बगल में दो और स्टॉल खुल गए। एक स्टॉल में पकौड़े बिकते थे और एक स्टॉल में सैंडविच। इन दोनों को भी यही स्टॉल लगाना था। मुंबई शहर में स्टॉल लगाने को जगह मिल जाए यही बड़ी बात है। इन दोनों को भी मिल गई और उन्होंने अपना अपना धंधा खोल दिया ना। अच्छी बात ये है कि किसी ने इडली का स्टॉल नहीं खोला। पर अम्मी, इनकी वजह से हमारे ग्राहक भी इनके स्टॉल पर चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ग्राहक बस अपने मन की करते हैं। अगर आज उन्हें मन इडली खाने का है तो वो इडली ही खाएंगे, पर अगर उन्हें पकौड़े खाने हैं तो वो इडली नहीं खाएंगे, समझी? पर जब ये पकौड़े वाला और सैंडविच वाला नहीं था तो हमारा कारोबार कितना अच्छा चल रहा था ना माँ। अब भी अच्छा चलेगा, हमें कुछ नया करने की जरूरत है बेटा। आजकल नौजवानों को वैसे भी इडली ज्यादा पसंद नहीं है। हमें कुछ ऐसी चीज ढूंढनी होगी जो नौजवानों को पसंद आए। अम्मी मैगी बेचते हैं, वो तो बगल वाली गली में बिकती ही है। क्यों बेफिजूल में उस गरीब का धंधा छीनना है हमें? पर अम्मी मैगी से ज्यादा कोई चीज नहीं बिकती। कुछ ना कुछ तो होगी ही, या ऐसा कुछ जिससे हम साधारण इडली को कुछ नया कर दें। वेजिटेबल इडली,
रवा इडली, ये सब तो हम बेचते ही हैं अम्मी, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? तुमने अभी अभी कहा ना, मैगी बहुत चलती है, तो क्यों ना हम मैगी को इडली में मिला दें? मतलब मैगी इडली? हाँ, बजा फरमाया। पता नहीं जायका कैसा होगा, पर सोचकर तो अच्छा लग रहा है। एक बार बना कर देखते हैं अम्मी। ठीक है। रानी एक मैगी का पैकेट ले आई और उसने मैगी बनाई और फिर अपने इडली के सांचे में थोड़ा सा इडली का आटा डाला और ऊपर ढेर सारी मैगी डाली। ऐसे करके उसने पूरा सांचा भर दिया और गैस जला दी। फिर दोनों माँ बेटी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैगी इडली के तैयार होने की। लगभग 7 मिनट बाद रानी ने डिब्बा खोला। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जायका भी अच्छा ही होगा। रानी ने वो मैगी इडली निकाली और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर वो इडली खाने लगे। है तो बहुत ही जायकेदार, लेकिन इस इडली को हमें लोगों को चखाना होगा। ये नई चीज है, कोई खुद से खाएगा नहीं, तो क्या करें? एक काम करते हैं, हर प्लेट इडली पर एक मैगी इडली फ्री दे देंगे। फ्री वाली इडली चखकर लोग मैगी इडली जरूर ऑर्डर करेंगे। हाँ, ये अच्छा है। रानी ने और मैगी बनाई और उससे मैगी इडली बनाने लगी। कुछ वक्त बीता, वही ज़ईफ़ा खातून आई। शांता ने रोज की तरह उसकी इडली की प्लेट लगाई और आज उसमें एक मैगी इडली भी रख दी। ये क्या नया है? ये मैगी इडली है। आज हम ये हर प्लेट में एक इडली फ्री दे रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। उस ज़ईफ़ा खातून ने मैगी इडली खाई और उसे वो पसंद आई। वाह, ये तो अलग है और जायकेदार भी। कुछ और लोगों ने इडली ऑर्डर की और सभी के प्लेट में एक एक मैगी इडली फ्री में डाल दी गई। ये नई इडली तो कमाल है चाची जान, मैगी इडली तो मैं हर रोज खा सकती हूँ। शांता सही थी, नौजवानों को मैगी इडली बहुत पसंद आ रही थी। मुझे एक प्लेट और मैगी इडली देना चाची जान, मुझे भी। मैगी इडली के ऑर्डर्स आने लगे। रानी खुशी खुशी मैगी इडली बनाने लगी। सभी लोगों को ये नई प्रकार की इडली बहुत पसंद आ रही थी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोग मैगी इडली खाने आ रहे थे। शाम तक शांता के स्टॉल के बाहर ग्राहकों का हुजूम लग गया। दोनों माँ बेटी धड़ाधड़ मैगी इडली बनाने लगी और ग्राहक खाने लगे। शाम को जब रानी ने स्टॉल बंद किया, अम्मी आज तो बहुत थक गई। अब ऐसी भीड़ की रोज आदत डाल ले, अब ये भीड़ कम नहीं होगी। अम्मी, मुझे नहीं लगा था कि मैगी इडली लोगों को इतनी पसंद आएगी। मुझे यकीन था, क्योंकि मैगी सबको पसंद है और हमने इडली में मैगी बनाई, ये नई चीज है। हाँ अम्मी। दोनों माँ बेटी थक कर घर चले गए। अगली सुबह उनके आने से पहले ही ग्राहकों का हुजूम लगा था। रानी और शांता दोनों हैरान थे। वो दोनों दिन भर मैगी इडली बनाती गईं और ग्राहक खाते गए। शांता ने कुछ और लोगों को काम पर रख लिया। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही महीनों में शांता ने अपना खुद का होटल खोल लिया, मैगी इडली हाउस। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा। हमारा मैगी इडली का आइडिया तो काम कर गया और हमारी मेहनत भी। हाँ अम्मी। शांता का ये मैगी इडली हाउस एक कॉलेज के पास खुला था और कॉलेज के सारे नौजवान मैगी इडली खाने वहीं आते थे। शांता और रानी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे थे। एक साल बाद शांता ने रानी की शादी बड़े ही धूमधाम से की। शांता ने रानी को बड़ा घर और सारी चीजें दी जो वो बचपन से उसे देना चाहती थी। आज शांता खुश थी। आ, 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 आ,
आप रो क्यों रही हैं? पगली, ये खुशी के आंसू हैं। तुझे बचपन से ऐशो आराम की चीजें देना चाहती थी, पर तेरे अब्बा के गुजरने के बाद मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। अम्मी, आपने बहुत कुछ किया है, आप इतना मत सोचिए। और आखिरकार मैगी इडली की वजह से शांता और रानी को उनकी खुशियां मिल ही गईं।